तो जी नाजरीन, आज आ गया जी नया चरवाहा गोट फार्म मुसफ़ा लियानी से। आपको मालूमाती ये वीडियो होने जा रही है जी। तो जो मैं पूछ रहा हूँ, ये जो शागिर्द मारा खड़ा है, बता दा जान जी की नाम थोड़ा? भोलू। भोलू बकरियां वाला केड़ा इलाका है? लियानी शहर केड़ा है? है? कसूर शहर है? नहीं, कसूर शहर। आहो, कसूर शहर का लल्याणी इलाका है जी। मुसफाबाद तहसील कसूर, इलाका मुसफाबाद। ते ये जी किन्ना साल का तजर्बा बकरी चरावान का? लो जी, जिन्नी बच्ची की उम्र है उन्ना ही इनका तजर्बा है ये बकरी चरावान च। ते दसो जी, सब तो अच्छी नस्ल केड़ी बकरी देगी? जल्दी दसिया दसिया केड़ी नस्ल? बीतल है, टैडी है, दोगली, केड़ी अच्छी नस्ल? हाँ लो जी नाजरीन, सब तो अच्छी जी नस्ल होंगी है ना दुध के हवाले नाल, वो अमृतसरी बीतल नसल की। तो हूँ जी वे साध वाले जाने उन्हें तो गलबात करा। हाँ जी भोला उस्ताद, भोला उस्ताद आपका तारफ कराओ, वीडियो बनती भी थोड़ी। हाँ जी दस जी, हुक्म करो की जाने जी। ना दस जो पहले ना भोला बकरियां वाला लल्याणी मुस्तफाबाद लल्याणी मुस्तफाबाद जिला कसूर। भोला सरकार किन्ने साल का तजर्बा है बकरी चला जी? भोला सरकार हाँ जी, अच्छी बकरी की पहचान है? अच्छी बकरी अमृतसरी छोटे कान ठान चडा तां नु लगा होवे, दूध 5-6 सर करदी होवे, ओनु अमृतसरी बकरी आदे ने। ते ओ अच्छी हुंदी? ओ अच्छी हुंदी, दूध ज्यादा देंदियां ने। हुण बकरियां ने पछाण रखण लग पए लम्मे कान, दूध थोड़ा सियावत उहनां दी ज्यादा, लोग ओए शौक करदे ने। हुण अमृतसरी बकरी के लोगों को पता ही नहीं किनु अमृतसरी आंदे ने। दसो किनु आंदे ने? खसूसियत दसो। अमृतसरी निक्कियां अखां हुण बिल्लियां डकन लग पे, दो दिन बकरी डक छड़ देने, एक दिन बखा देने, दूजे दिन पाइया दुध नहीं दिंदी। सुखे भाई लोग होंगे ने बहुते। बिलकुल। अच्छा तुसीं इह दसो, एक नया फार्मर है, उन्हें बकरियां नवा नवा काम शुरू करना है। हाँ जी। केड़ी बकरी दी नस्ल तो काम शुरू करे? अमृतसरी तो का करे, अमृतसरी तो। अमृतसरी जाली बके, जाली बंदे नु नाल लवे, वो जाके ओदा खाता पूरा। कितों मिले दी? कितों मिले दी अमृतसरी बकरी? ओ मिलदी है साहिवाल जाके, अमृतसरी असल साहिवाल च मिले दी। किन्ने तक मिले दी बकरी? ओ लाख तक, 1.5 लाख तक, 5 लाख तक, 40 लाख तक, बकरी दा बड़ा बड़ा मुल्ल बकरी दा। एक माना 48 किलो दुध कर दी, एक 26 किलो कर दी, 28 किलो कर दी, एक मन 2 किलो माना, उन्हें वखरे वखरे दर्जे ने बकरियां ले ले उड़ा ले बकरियां वखरे वखरे दर्जे। ठीक हो गया। ते साल च किन्नी दफा बच्चे देंदी बकरी? दो बारी साल च। पीटर कोल होवे चंगा ते सेवा चंगी होवे बकरी। पीटर तो मुराद नाजरीन जेड़ा हुंदा है ना अपना ब्रीडर, ये जो बकरा ये ब्रीडर सुथरा बकरा अगर होवे ता साल च दो दफा बकरी बच्चे डिलीवर कर देंदी 14 महीने च। ध्यान ना क्यों कू तेल तूल बकरी दित्ती रख लो मारी यार सब्जी च गई उने। तेल देन दा की तरीके कार है जरा दस? तेल देन दा दही दे विच ला के, दूध दे विच ला के डंगर नु देना चाहिदा 4 सिर 5 सिर सून तो पहलो। केड़ा तेल? सरों दा तेल। केड़ा तेल किन्ना होवे ते दही किन्नी होवे एक टाइम? तेल छटाकी तेल होवे, पाइया दही होवे, ला के विच बर्फ पा के ठंडा करके भर उन्हू दित्ती रखे। नाल के नाल नाल के ना दे दियो सोडे वाली बोतल ना दे दियो। ठीक हो गया। बकरी चलो 4 महीने हो जाने, उन्हू देसी घ्यो 2-3 किलो दे दियो, बिलकुल थान भी रड़ी साड़ू भी नहीं करती बकरी, सूंदी भी सौखा, दुध भी ज्यादा दिंदी है बकरी। इंदा लंबर उत्ते ला दे चलो, दुध थान चडा भी खुला खोल दी, बच्चे भी डबल खा बूटा सब करनी, बच्चे भी डबल। अच्छा अजकल लोग बकरियां बाहर ले आने की बजाय घर आके पालना चाहते हैं, फार्म टाइप बना के, उनका की तरीकेकार पाल सकते हैं? ਉਹਦਾ ਵੀ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਪਾਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਘਰੋਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਜਾਣ ਹੋ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਜਾਣ ਹੋ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰ ਚਲਾਣ ਜੀ ਕਿਧਰੋਂ ਦੀ ਕੱਢਣੀ ਆ ਉਹ ਵੇ ਨਾਲ ਜੇ ਪੱਟ ਕੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰੇ Allah'a emanet olun.
बकरी रख के पाली जा सकती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। की खराक हो फिर सही रहे। दाने दुने पठे पुठे टाइम ना डाई जाओ, पानी की प्यास बचाई रखो, बेहतर प्यास जानी है। कदों इन्होंने पानी का सेका लग जाए तो सुकना शुरू हो जाए। अच्छा, पानी ना लाजमन चाहिए, पठा भावा कमती आ जाए, पानी के बगैर कड़ा ना माल। अच्छा, तुम ये दसो कि एक बंदा है, उन्हें 10-12 बकरियां रखियां ने कार फार्म ते। हाँ जी। तो 10-12 बकरियां पाल के वो कार दा सिस्टम चला सकता है? चला सकता। किस तरह? बच्चे वो साल च दो बारी सू पंड बकरी खेचल मोड़ दे दी है, जे विच पीटर आदा सान चंगा रख्या होवे ते। अच्छा। हाँ जी। तेरा आदी खाना बकरी दा दूध वेच के भी कोई फायदा लिया जा सकता है? पैसा शायद ओइदा 2-3 किलो 4 किलो दूध बकरी चंगी 5-5 किलो भी दो टाइम दे सकदी। की रेट बकरी दे दूध दा? दूध दा 120 रुपए है, चंगा दूध देने पर पानी दे बगैर। खालस दूध 120 रुपया सेल हो रहा है। 10 बकरियां होन ते किन्ना दूध हो सकदा है दो टाइम दा? दूध किन्ना है? 2-2.5 किलो ला लो हिसाब, किन्ना बन जांदा रोज दा? यानी कि 20-22 किलो दूध तुसीं दे सकदे हो? हां, दे सकदे हां। 2400-2500 दा दूध ही सेल कर सकदे हो रोजाना? हां जी। फिर बच्चों की सेवा करो? हां जी। फिर उन्होंने मासा 1000-2000 का दुद्ध बेचो, कोई 1500 रात रूना पा दो, 1500 रोज की आमदन थोड़ी है। बड़ी आमदन ते बच्चे थोड़े बचते जाने? फिर दोबारा फिर सू पैंदियां ने। बकरी पैदा हुई तो उनका बच्चा है? हाँ जी। किन्ने महीने बाद जवान होगा बच्चा? वह दुद्ध ध्यान सारा पियाई जो नाल तेल दिती जो 6 महीने बच्चा फिर नवे दुद्ध हो जाता। 6 महीने बाद? 6 महीने बाद बकरी फिर नवे हाथे हो जाती है। बकरी दी कद काठ चंगा होवे ते फिर किन्नी देर बाद बकरा बच्चा करावना चाहिदा क्रास? कद काठ कराना होवे ते 2 साल दी पट फिर उनू सांभी जो फिर जाके क्रास कराओ फिर। हां, नाज़रीन कर जांदी बकरी पूरी रन बन जांदी। 2 साल बकरी बच्चे नु चंगी सेवा कीती जावे ते उस बाद क्रास कराओ ते फिर उनदा कद काठ ये वो टिप टॉप पूरी हो जांदी बकरी दा। म्यार हर शाय फिर पूरी बकरी बन जांदी पूरी रन। भोला सरकार, बकरी रखण दे जिहड़े कोई मसले मसाइल तुहानू आए ने ओ दसो, केड़े केड़े मोटे मोटे मसले केड़े आए ने अज तक? मोटे मोटे कोई भी नहीं आए, ना कभी डॉक्टर का मशवरा किया, ना कभी कुछ। आप ही जाइए, आप ही लिया के देसी दवा दे दी दी है, देसी उन्हें टीका लिया के ला दी, डॉक्टर ना रबता नहीं रखी जा। बकरियां मसाला मसूला भी देंगे? मसाला हर शाय कड़ी आपके पल्यो लिया के दे, डॉक्टर इलाज नहीं करी जा। मसाला दसो, मसाले केड़ी हाल ने? कालिया मिर्चा, काला लून, पतीना, कैडू, ਇਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਣੀਆਂ, ਨਾਰਦਨਾ, ਸੌਂਫ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਸਾਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੜ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈ ਦਾ। ਲੋਕ 8-10 ਦਿਨ ਹੀ 2-2 ਚਮਚੇ ਤੇ 3 ਚਮਚੇ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਤੇ ਜੋ ਪਾਓ ਫਿਰ ਖਾਲੀ। ਕੁਛ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਰਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਕਰਦੇ? ਆ ਉਹਦਾ ਤੇਲ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਾਨਵਰ ਕੋ ਥਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਫਰਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਾਨਵਰ ਅੰਦਰੋਂ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਲੈਵਲ ਸੈੱਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਨਵਰ ਹੀ ਨੂੰ ਫਰਾਹ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਦੋਂ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੇ ਖਾ ਲੈਣਾ, ਭੁੱਖ ਮਰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਫਰਾਹ ਆ ਜਾਂਦਾ। एक बकरी का तुसी दसना है मोटा मोटा फार्म ते रख के उन्हें खाना पीना खाओ सेवा करो, किन्ने कु दा खा जांदी एक दिन दा? 100-150 रुपया खांदे आ के जानवर। सुथरी सुथरी खुराक दे सकदे 100-150 च? 100-150 एक ते। एक बकरी साल बाद तुहानू की फायदा दे जाए, किन्ना मुनाफा दे जाए? दुध भी दे जाए, बच्चे भी बच जाते ने उहदे। मोटा मोटा पैसों च दसो किन्ने पैसे, किन्ने हज़ार बचा सकते एक बकरी? एक बकरी बकरी वास्ते 50,000 रुपया एक बकरी कल छड जांदी है। एक साल बाद एक बकरी 50, 10 बकरियां रखियां तुहाडा 4-4.5 लाख रुपए सेविंग तुहाडी हो सकती है आसान दे नाल। बकरियां चंगियां होदा बचा जांदियां, वाधे पैसे बचा जांदे। भोला साहब, नए बंदे जिहड़े काम शुरू कर रहे ने मेरे वर्गे, उन्हां वाके मशवरा देवो। हां जी। करना चाहिए नहीं करना चाहिए? चंगा काम है नहीं चंगा? काम चंगा बिलकुल, ये कड़ा कहीं चंगा ही चंगा जमद 20-20 हज़ार के 15-15 हज़ार के एक दिन के बच्चे जा बिक जाते हैं। माशाल्लाह। फिर दुध देने वाला कड़ा चंगी बकरी 400-500 तो घट कोई भी नहीं देती देसी बकरी। ਤੁਸੀਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਦਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਈਡ ਤੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਨਾਲ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਲੱਦ ਕੇ ਲੈ ਆਈਦੇ ਨੇ, ਤੂੜੀ ਲੈ ਆਈਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਬਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਈਦਾ, ਬਹਿ ਕੇ ਆਈਦਾ, ਰਹੀਦਾ, ਇਹ ਫਾਇਦਾ। ਆ ਇੱਕ ਦੋ ਬੈਂਸਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖੀਆਂ ਨਾ ਕੀ ਮੰਤਰ? ਬੱਚਾ ਰੱਖੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਦੇ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਨਵੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਦੋਂ ਸੱਚਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵਾਧੂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਟੋਕੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਫਿਰ ਫੁਰ ਕੇ ਰੱਜ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਵੰਡ ਪਾ ਦੇਈਦਾ। ਭੋਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅਗਰ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਮਾਲੂਮਾਤ ਲੈਣਾ ਚਾਹਣ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਈਏ ਨੈਟ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਕਰੀ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹਣ, ਵੇਚਣਾ ਚਾਹਣ, ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹਣ ਤੇ ਤਾਬੇਦਾਰ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਨੰਬਰ ਨੰਬਰ ਯਾਦ ਹੈ? ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ।
चलो नादरी नंबर मैं आप इनका ना दे दूंगा, तो आप चीज़ से पूछ सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरा नया चैनल इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो वेरी मच। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नई टॉपिक के साथ। ये जी शगिर्द है साढ़ा, ए शगिर्द है साढ़ा, भोला सरकार का शगिर्द, साढ़ा सारे का शगिर्द। ओके नादरीन, अल्लाह हाफिज़।